नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके यानी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वजीराबाद से जो वहां का गोदाम है जिसमें जितनी भी आसपास की गाड़ियां होती हैं, उस मालवाहक गोदाम में 29 तारीख की सुबह सुबह आग लग जाती है और उसमें करीब 200 फोर व्हीलर गाड़ियां और 400 टू व्हीलर गाड़ियां जल के खाक हो जाती हैं। इसकी सूचना सोनिया विहार थाने को दी जाती है और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी दी जाती है। फायर की वहां पे 5 गाड़ियां पहुंचती हैं और दमकल विभाग वहां मशक्कत करता है और उसकी मशक्कत के बाद यह आग को कंट्रोल किया जाता है। आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और आप देखिए। इसकी पूरी डिटेल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के DCP जॉय सर ने दी है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहां पे यह आग लगी और उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन संबंधित थाने को दी और साथ ही साथ किस तरीके से फायर को यहां बुलाया गया उनको इसकी इंफॉर्मेशन दी गई। मगर यह बहुत बड़ा हादसा है और इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। कारण क्या थे, यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच चल रही है और यह इलाका वजीराबाद के अंतर्गत आता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यह गाड़ियां यहां पे राख का ढेर बन चुकी हैं, चाहे फोर व्हीलर हो चाहे टू व्हीलर हो, हालत सबकी एक जैसी है। इस समय यह जितने भी वाहन थे वो तकरीबन 200 फोर व्हीलर और 400 टू व्हीलर इस समय जल के खाक हो चुके हैं और यह सभी माल गोदाम होता है जो उसके अंतर्गत आने वाली जगह के अंदर रखे गए थे। क्योंकि अक्सर होता है जब भी कोई गाड़ियां पुलिस चेकिंग के द्वारा जब्त करती है या किसी भी केस में उसको थाने लेके आती है तो ऐसी ही जगह पे ऐसे यार्ड में इनको रखा जाता है और ये वही माल गोदाम है जहां पे पुलिस ने इन गाड़ियों को रखा था और उसी में किस कारण से यह आग भड़की, किस कारण से इन गाड़ियों में आग लगी, अब इसकी जाँच हो रही है। मगर करीब 600 वाहन इसमें जल जाते हैं और 5 से 6 गाड़ियां यहाँ दमकल की पहुंचती हैं और वो इस पे आग जो भड़की होती है उस पे काबू करने की कोशिश करती हैं। घंटों की मशक्कत के बाद फाइनली इसको काबू किया जाता है मगर करीब करीब 600 गाड़ियां इसमें जल के खाक हो जाती हैं और तस्वीरें आपको खुद बयां कर रही हैं कि यहाँ कितना भयंकर मंजर था उस समय और किस तरीके से यहाँ आग भड़की थी। यहाँ संबंधित थाना जो कि सोनिया विहार आता है उसको बताया गया, क्योंकि यह वजीराबाद एरिया के अंतर्गत आने वाला यह माल गोदाम है और जहां पे इस समय 600 गाड़ियां जल के खाक हो चुकी हैं।